आज हम रिव्यू करने वाले हैं 60 वाट सोल्डरिंग आयरन का, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले होती है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले जो हमारे टेम्परेचर सेट करते हैं वो शो करती है, और साथ में इसमें दो बटन दिए हुए हैं जो टेम्परेचर को प्लस और माइनस करते हैं। तो ये रहा हमारा सोल्डरिंग आयरन। ये रहा दोस्तों हमारा सोल्डरिंग आयरन। इस सोल्डरिंग आयरन में एक खासियत है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर सेट करते हैं हम, जिस भी टेम्परेचर पे हमें वर्क करना है वो यहाँ पे शो होता रहता है। और इस टेम्परेचर को सेट करने के लिए हमें दो बटन दिए हुए हैं, एक प्लस का एक माइनस का, जो हमारे टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने में हेल्प करता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाना घटाने क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग जैसा प्रिसाइज वर्क होता है, जिसमें जो SMDs होती हैं हमारी, वो हमारे ज़्यादा हीट पर ख़राब हो जाते हैं, तो हमें इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसकी अंदर की क्वालिटी और इसके जो बिल्ड क्वालिटी है वो चेक करा देता हूँ। ये इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो मेटल की हाउसिंग है वो निकाल लेते हैं। ये इसकी बिट, यहाँ पे हमें एक और हाउसिंग है, जो ये जो प्लास्टिक होता ना, जब हमारी ये हीट एलिमेंट जब गर्म होती है तो सबसे पहले जो कांटेक्ट में मेटल के बाद आती है वो हमारी यही प्लास्टिक होती है। यहाँ पे एक ग्रिपिंग के लिए एक ग्रिपिंग रबड़ भी दी हुई है, जिससे कि हमें काम करते हुए जब सोल्डरिंग कर रहे हों तो हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। ये जो नॉर्मल हमारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो तो ऐसे ही खुल जाते हैं, बट इसमें दो स्क्रू दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसे खोलने के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं 28-in-1 इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का, जो कि ये फ़ोन खोलने के लिए और इस तरह के गैजेट्स खोलने के लिए परफेक्ट है। तो मैं निकाल लेता हूँ अपना स्क्रू ड्राइवर। मैं वैसे बेसिकली यही यूज़ करता हूँ, और इसमें से हम निकालने वाले हैं फिलिप्स 0 वाला इसकी बिट। इसे रख देते हैं साइड में और इसे लगा देते हैं इसकी बिट यहाँ पे। तो ये दोस्तों, तो ये इससे क्लॉकवाइज इससे एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है, इससे क्लॉकवाइज इससे एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है। तो इसे जल्दी से खोल लेते हैं। खोलने के लिए हमें ऊपर वाला बटन दबाना होगा, इसे दबा लेते हैं। ये देखो, ये इसने खोल दिया बड़े आराम से। इसका उल्टा करने के बाद यहाँ से हम इसे ऐसे खोल लेते हैं, और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे आगे की तरफ तो ये खुल जाएगा। तो ये है इसकी PCB, इसकी PCB निकाल लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता है। तो गाइज ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे एक 7 सेगमेंट दी हुई है, जिसमें इसकी जो टेम्परेचर है वो सो होती है। यहाँ पे इसका जो ट्रैक दिया हुआ है, यह है BT136। ये इसका ट्रैक है, जो हमारा इस हीटिंग एलिमेंट के जो टेम्परेचर को उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसे चलाने के लिए 7 सेगमेंट एक्चुअल में होता क्या है, 7 सेगमेंट को चलाने के लिए ना एक माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत होगी, तो वो माइक्रो कंट्रोलर भी इसके नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे एक 14 पिन का माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक जो छोटी सी IC लगी हुई है, ये है रेजिस्टेंस बस। इस बहुत सारे रेजिस्टेंस एक ही बस में होते हैं, तो इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर बेसिकली इस ट्रैक को ऑन ऑफ करने के लिए लगा हुआ है, जो माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट ट्रैक तो चलता नहीं है, इसे चलाने के लिए एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे ये दो बटन सेंसिंग के हैं, ये प्लस माइनस जो हमारे जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा और घटाते हैं। और यही जो माइक्रो कंट्रोलर है, फिर इन्हें सेंस करके जब जितना भी हमने टेम्परेचर किया हुआ है उसके हिसाब से इस ट्रैक को ऑन ऑफ करता है, जिससे हमारे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। तो गाइज ये थी इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी। अब मैं आपको फटाफट इसकी जो सोल्डरिंग क्वालिटी है वो चेक करा देता हूँ। तो गाइज ये जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है, मैंने इसको ऑन कर दिया था, तो यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस पे सेट है, जिसका मिनिमम टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक, और जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो उसका 500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हमें इतने ज़्यादा टेम्परेचर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे लेके आना है 250 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जो हमारा 250 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा सफिशिएंट होता है, जो नॉर्मल हम सोल्डरिंग के वर्क करते हैं। क्योंकि जो हमारा जो सोल्डरिंग वायर होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे बड़े आराम से, इसको जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इस वाले सोल्डरिंग आयरन का, सोल्डरिंग वायर का, वो होता है 180 डिग्री सेल्सियस। तो 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जो हम कितना भी टेम्परेचर रखेंगे तो इसको बड़े आराम से मेल्ट कर देगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने आराम से इस सोल्डर वायर को ये मेल्ट कर दे रहा है। सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये गाइज मेरे पे एक डिजिटल पैनल मीटर की एक PCB रखी हुई थी, तो मैं इसमें ही आप
को इसमें जो वायर लगी हुई है ये जो सोल्डर है ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर वायर लगाया, सोल्डर वायर लगाने के बाद यहाँ पे ये हटा लिया, एक्सेस सोल्डर वायर जो है वो हटा दिया हमने, और हम इसे बड़े आराम से सोल्डर कर दिया। तो गाइज़ आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सोल्डरिंग की क्वालिटी है, मैं आपको खींच के भी दिखा देता हूँ, ये है इसकी सोल्डरिंग की क्वालिटी। एक बात और बता देता हूँ, हमें बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि जो हमारा जो सोल्डरिंग बिट होती है वो हमारी जो बिट होती है वो बहुत जल्दी घिस जाती है, मेल्ट हो जाती है, या कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमें सोल्डरिंग बिट्स में। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर देना चाहूँगा कि हम कभी भी जो रेत मार्ग होते हैं या फिर कोई भी घिसने वाली चीज़ होती है उससे घिस के हम अपनी सोल्डरिंग बिट्स को साफ़ करते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यह है कि आप अपनी सोल्डरिंग बिट पर थोड़ा सा सोल्डर लगाओ, और सोल्डर लगाने के बाद इस तरह के जो क्लीनिंग स्पॉन्ज आते हैं उन क्लीनिंग स्पॉन्ज में, अभी इसमें पानी नहीं है क्योंकि अभी ये नया ही स्टैंड लिया है मैंने, तो जब इसमें पानी डालना, और पानी डालने के बाद इसे इस तरह से साफ़ कर लेना। साफ़ करते ही ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, चमकने लगेगी, और इसमें कभी भी रस्ट नहीं आएगा, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।